हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आपको नवरात्रि के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आई होप आप सब ठीक होंगे, घर में होंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी ये बंदर, 2 दिन से यहीं पर है, पेड़ पे अपना आ रहा है, रोटी खा रहा है, फिर पेड़ पे बैठा है। तो सुबह मेरे हस्बैंड ने आरती चला रखी थी तो ये यहाँ आके बैठा तो सुन रहा था। बंदर बेटा, बंदर दिखो। अच्छा 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 जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अंकल जी आ गए आ गए। गुप्ता के बगल में मैंने किया था साहब, वो बेटा वहाँ पे सीढ़ियों में देखो। सर वो तो देखना पड़ेगा, परंतु अभी जो है आजकल चला भी 25-30 हज़ार का गाड़ी सीज कर दी। बंदर बैठा है, अभी पूजा कर रहे थे ये तो आरती सुन रहा था। सुबह ऐसा है ना, इसका भी लॉकडाउन है, इस बंदर का भी लॉकडाउन है। आ रहा है आ। और यहाँ पे हम सब नहा लिए थे और ऊपर धूप में बैठे हुए थे। और मेरी तबीयत जो है 2 दिन से ख़राब थी, अभी आपने देखा भी होगा मेरा मुंह सूजा हुआ था। तो बस धूप में बैठे हुए थे अपने, और बच्चे नीचे टीवी देख रहे थे। बस मैंने बर्थ रखा नहीं है, मैं आखिरी के 2 जो बर्थ हैं नवरात्रों के वो रखूँगी। अब बैठी हुई थी, मन में थोड़ा डर भी चल रहा है, सबके मन में डर चल रहा है, न्यूज़ दे दे के कि क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस घर में बैठे हैं, साथ में है सारा परिवार, तो मैं आपसे यही बोलूँगी आप सब अपने परिवार के साथ घर में ही रहिए, बाहर मत निकलिए, ज़रूरी काम हो तो ही निकलिए, जितना हो सके सेफ रहिए, घर में रहिए। दिखाई दे रही इसमें। और यहाँ पे शाम की टाइम ना, यहाँ पे तोते आ गए थे, बहुत सारे तोते थे पेड़ पे ही, जो मेरे घर के सामने ही पेड़ है, देखा होगा कई बार आपने। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं, पर वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि ग्रीन पेड़, ग्रीन तोते एक साथ तो उड़ते हुए आपने देखा होगा कितने सारे उड़े हैं ये। ये फोटो सबसे प्यारी लग रही है, ये हटी नहीं रही थी मैं, ये कौन सी दिखाओ। हाँ ओके, मैं काम चलो। कुछ नहीं रह गया हमारा, खाना, काम करना और सोना और छत में आके बैठ जाना, ये काम रह गया। कोई वीडियो खोल लियो। तुम्हारा क्या काम रह गया? मेरा काम तो आजकल आधा मेरा, आधा काम मेरे पति कर रहा है। ये तो बोल दो हमारा काम है लीडो खेलना। मुँह कह को फेर रहे, घूर रहे चेहरे पे भी सलवट पड़ेगी। सलवट तो अब सलवट नहीं पड़ेगी तो बताओ, सलवट नहीं पड़ी, लीडो खेलो, सलवट नहीं पड़ेगी, चेहरा अभी तक जवान रहेगा। हाँ? वीडियो बना रहे, सुनसान हो रहा है, घोंसला चाहिए कंपटीशन करने, टाइम पास करने के लिए खेल रहे हैं लीडो 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 खेल रहे हैं। और बाबूजी कह रहे हैं कि कौन सा जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा गुड्डो? गुड्डो कह रही मम्मी जीतेगी, मम्मी ईमानदारी से खेलती है। गुड्डो के पापा कह रहे तो क्या जी बेईमानी से खेलती है, तब तो देखते हैं कौन जीतता है। गुड्डो कौन जीतेगा? हमें जीतेगी। और अब तक गुड्डो ने अपना टैडी भी बैठा रखा है, गुड्डो का टैडी भी खेल रहा है। यहाँ आ रही रोशनी अच्छी ना, गुड्डो का टैडी भी खेल रहा है भाई। हाय, मैं हाय कर रही हूं। तो हम लोग खेलने बैठे हैं लीडो, ट्राइपॉड ले आते हैं, ट्राइपॉड पे लगाते हैं ना। भारत के नए मरीज परसों 103, कल थे 37 बढ़े और 26 कम हो गए। काम क्या रह गया है? खाना पीना सोना खेलना, ये दो है। इधर आ जा ना, माँ बेटी हम खेल रहे हैं लीडो। लिया मैं ट्राइपॉड, ट्राइपॉड रहने दो, नीचे खेलेंगे ना, फिर लगाएंगे ट्राइपॉड। और यहाँ पे मैं और मेरी बेटी खेल रहे हैं लीडो, और गुड्डो लीडो खेलने में काफ़ी अच्छी है, मतलब फटाफट बढ़ाती है नंबर भी, मैं तो एक बार गिन के बढ़ाती हूँ। और हो क्या रहा था, गुड्डो मेरी सारी गोटियाँ काट रही थी और इसके पापा कह रहे थे कि अच्छा है कट जाए सारी गोटी, इसके मजा आएगा, ये हार जाएगी। तो शुरू शुरू में तो उसने मेरी सारी गोटियाँ काटी, पर यह है कि जीती तो मैं ही एंड में।
जीती मैं, केरी मम्मी नहीं नहीं पापा को बताना मैं जीती हूँ। तो जीत गई, गुड्डो हार गई, बोलना गुड्डो हार गई, गुड्डो हार गई, मजा आ गया, मैं जीत गई। लेकिन मेरी कई सारी गोटियाँ काटी इसने, इसने मुझे जीतने नहीं दिया। और इसके पापा इतना खुश हो रहे थे ना कि अपनी मम्मी को हरा दे, लेकिन हम भी हैं खेलने के लिए। कैसा लग रहा है जी हार के? गुड्डो कहाँ चली? चल नीचे चलते, तेरे पापा आजकल बहुत गाने सुन रहे हैं, घर में रह के गाने बजा रखे हैं। गुड्डो क्या कर रही है? गुड्डो का पापा तो जब से घर में है कभी चाय कभी खाना, अब अभी खाना खा के हटे हैं, अब गुड्डो के पापा को चाय चाहिए। चाय तुम्हारी वीडियो बना के दिखा रही, अब चाय बनाएंगे चाय, खाना हो चुका है। गुड्डो क्या कर रही? मैं फोन में गेम खेल रहा हूं। दूध खराब ना हो, इधर तो आना ना। हां अनिकेत कहां गया? अनिकेत रजे के अंदर लुक गया, अंधेरा हो रहा है। एक ना खुंदक इतनी आ रही है ना, इतनी खुंदक आ रही है, सारे दिल्ली मुंबई बिहार हो चाहे कुछ भी हो, सब जगह सुविधा हो रही है, हर चीज़ की सुविधा हो रही है, सैनिटाइज कराया जा रहा है। लेकिन हमारे उत्तराखंड देहरादून में ना तो कहीं सैनिटाइज करवाया जा रहा है, ना तो कोई ऐलान हो रहा है कि क्या जो मजदूर इंसान है जो फिर रहे बेचारे, क्या से क्या कमाएंगे क्या करेंगे, तो उनका कुछ पता नहीं है। बल्कि हमारे नीचे कमरे में लड़के किराएदार रह रहे हैं, उन्हें पिछला तो पैसा मिला नहीं, उनके पैसे नहीं खाने पीने के, और वही है ना कि कब तक इंसान कोई कब तक करेगा, कब तक खिलाएगा। और उन्हें घर जाने का हो रहा है, उन्हें घर जाने को भी नहीं मिल रहा, ना ही पैसा जेब में है ना कुछ नहीं है। और यहाँ तक कि अब यह हालत हो कि कल रात से पानी भी नहीं आ रहा है नल में, जो पानी भी दिया उन लोगों ने कल से पानी भी बंद कर दिया। पता नहीं क्या हो रहा है, ये देहरादून की सरकार को उत्तराखंड की सरकार कुछ पता नहीं चल रहा है, तो गुस्सा आ रहा है ना बस, आज बहुत दिमाग खराब हो रहा है। क्योंकि सब कुछ चल जाता है, चलो थोड़ा इंसान खाना भी कम खा ले, लेकिन पानी के बिना नहीं रह जाता है, रात से पानी नहीं है। और इतना गुस्सा आ रहा है ना, सब जगह देख रहे कुछ ना कुछ ऐलान हो रहा है, कुछ ना कुछ मदद हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री का कुछ है ही नहीं, ना तो कोई का उसका ना तो फोन पे दिख रहा है और ना ही टीवी पे कुछ दिख रहा है कि वो क्या करने वाले हैं यहाँ के लिए क्या। शायद इसलिए बैठे हैं चुपचाप से कि देहरादून में तो कोई है ही नहीं, अभी इतनी बीमारी बढ़ी नहीं है, बढ़ेगी तब देखेंगे। सर मैं बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है आज मेरा। बस खाना वाना तो कुछ मैंने दिन में सुबह बनाई थी, आलू की सब्जी बनाई थी, बस रोटी बना ली और खा ली, भूख भी मर गई, भूख भी नहीं लगती है। क्योंकि वैसे तो इधर उधर बैठ जाते, इधर उधर क्या ऊपर छत पे ही बैठ जाते ज़्यादा या फिर नीचे चले जाते हैं, लेकिन फिर सोचते कि चलो थोड़ी देर के लिए न्यूज़ देख लेते हैं, न्यूज़ पूरा दिन न्यूज़ देख रहे हैं, पूरा दिन न्यूज़ देख रहे हैं। और जब न्यूज़ देखते हो ना और हालात देखते हो तो हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते, इतना डर बैठ जाता मन में कि अब आगे क्या होगा। और सच में बहुत डर लगता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने घर में रहो, इधर उधर कहीं मत जाओ, प्लीज़ करके घर में रहो। चलिए फिर करते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो जब इसी पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और बस इस घर पे रहो, स्टे होम, बी सेफ, बस और ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। हाँ आगे भी शेयर करो, अपने दोस्तों को अपने रिश्तेदारों को शेयर करो। और आज का वीडियो अगर इससे पहले जो वीडियो गया है अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देख लेना। तो ओके बाय, गुड नाइट।